अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बघारे चावल फ्राइड राइस बनाना सीखेंगे। बघारे चावल बनाने के लिए आपको जिन अज्जा की जरूरत है, इसमें आधा किलो चावल, प्याज 2 अदद, लौंग 2 अदद, दालचीनी स्टिक 1 अदद, सब्ज इलायची 1 अदद, सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, हरा धनिया पुदीना 3-3 टेबल स्पून, ऑयल 2 खाने वाले चमचे और नमक हसबे जायका। बघारे चावल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पतीली में 2 खाने के चमचे ऑयल शामिल करेंगे। चूल्हा धीमी आंच पर रखें, आंच ज्यादा तेज ना हो। अब इसमें सबसे पहले आप ऑयल के अंदर जीरा शामिल करें। जब जीरे की हल्की सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज को फ्राई करते रहे उस वक्त तक जब तक कि उसमें से फ्राई होने वाली खुशबू ना आए। जब ऑयल पकने लगे तो बिल्कुल धीमी आंच पे प्याज को सुर्ख करें ताकि प्याज जलने ना पाए। अब इसमें आपने सारा गरम मसाला शामिल कर देना है, जिसमें लौंग, इलायची और दालचीनी स्टिक है। चमचा आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें और इसमें हरा धनिया पुदीना भी शामिल कर दें। जब हल्का सा हरा धनिया पुदीना पक जाए तो इसमें चावल शामिल कर दें। चावल डालने के बाद आधा किलो चावल में 1 किलो पानी शामिल कर दें और चावल को पकाने के लिए छोड़ दें। जब चावलों में उबाल आ जाए, उबलते हुए चावलों में नमक शामिल कर दें और जब पानी खुश्क होने लगे तो चमचा आहिस्ता से हिलाकर चेक कर लें कि इसमें अब कितना पानी रह गया है। पानी खुश्क होने की सूरत में चमचा हटा दें और देगची पर ढक्कन ढक दें और 15 मिनट के लिए चावलों को दम पर लगा दें। 15 मिनट के बाद जब आप देगची का ढक्कन खोलें तो चावलों में एक बार अच्छी तरह से चमचा हिला दें और उसके बाद इसको ट्रे में निकालकर गरम गरम पेश करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।